दुनिया में आगे बढ़ने के चक्कर में हम रिश्तों को काफी पीछे छोड़ देते हैं। इस तेज रफ्तार भरे जीवन में हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम उन्हें समय नहीं दे पाते हैं जो हमारे लिए सबसे अहम होते हैं, जिनके लिए हम दुनिया से आगे निकलना चाहते हैं। हम उन्हें ही काफी पीछे छोड़ देते हैं, जिनसे मिलना नामुमकिन सा हो जाता है। हमें अपनों के लिए समय निकालना बहुत जरूरी होता है। आज हम इसी पर आधारित एक कहानी 50 रुपये लेकर आया हूँ। एक आदमी अपने ऑफिस के काम से थक हार के घर पहुँचा। दरवाजे पर उसके 8 साल के बच्चे ने उसे रोकते हुए कहा कि पापा एक सवाल करूं। पिता ने उलझन भरे आवाज में हाँ कह दिया। बेटे ने सवाल किया कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हो। पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया 100 रुपये। जवाब सुनकर बेटे ने मासूमियत के साथ पिता से 50 रुपये मांगा। पिता ने डांटते हुए कहा कि पैसों के लिए फालतू सवाल कर रहे थे, जाओ जाकर सो जाओ, ये उठपटांग सवाल मत किया करो। लड़का आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद पिता का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें लगा कि बच्चे पर फालतू में गुस्सा किया। इससे पहले उसने कभी भी पैसा नहीं मांगा था, शायद उसे जरूरत ही हो। वो खाना खाकर बच्चे के कमरे में गए। वहाँ बच्चे से सॉरी बोलते हुए उसे 50 रुपये दे दिए और कहा कि ऑफिस का गुस्सा तुम पर निकल गया। बेटा भी थैंक यू बोलकर तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी के पास उसने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उन्हें गिनने लगा। पिता ने चिल्लाते हुए कहा कि जब तुम्हारे पास पैसा था तो मुझसे क्यों मांगा। लड़के ने पलटकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास 50 रुपये कम पर रहे थे। लड़का अपने पापा के समीप जाकर कहा कि लीजिए ये 100 रुपया और कल घर जल्दी आ जाइएगा, मुझे आपके साथ खाना खाना है। इतना सुनते ही पिता के आंखों में आंसू आ गया। यही थी कहानी। ये कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन शिक्षा बहुत बड़ा है। क्या आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे हैं? दुनिया को जीतने के चक्कर में आप अपनों से हार जाते हैं। दुनिया को जीतने के चक्कर में आप अपनों को ही हार जाते हैं। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना फैमिली को भी समय देना चाहिए, क्योंकि रिश्ता बहुत अहम होता है।